कोमॉर्बिडिटीज जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीजेज, इस टाइप के केसेस में 73% जो कंफर्म केसेस है उनमें डेथ उनको विद कोमॉर्बिडिटीज पाया गया है। तो इन दोनों अगर हम अंशों को देखें तो हम पाते हैं कि आज पीपल हु आर एट हाई रिस्क आर प्राइमरली एल्डरली पीपल जो कि 60 अबव एज के हैं, फर्दर कंपाउंडेड बाय द फैक्ट कि पीपल हु हैव कोमॉर्बिडिटीज जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज और रेस्पिरेटरी डिजीजेज। आज जब हम कोविड की इस लड़ाई को ले रहे हैं तो जरूरी है कि जो भी हाई रिस्क में हमारे देश के लोग हैं वह हमें सपोर्ट दें, वह रिक्वायर्ड प्रिवेंटिव एक्शन लेते रहें और साथ में अपने सिम्टम्स के बेसिस पर वह जो भी मेडिकल एडवाइस और मेडिकल फॉलोअप वह करें। जरूरी है कि वे सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें उन लोगों से भी अपने घर में जो कि घर से बाहर जाते रहते हैं, वह ये इंश्योर करें कि अगर उन्हें कोई प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन हो चाहे वो डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो या कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो, वह उससे संबंधित दवाई और उससे संबंधित चेकअप में कोई भी कोताही ना करें। साथ ही जरूरी है कि हम इम्यूनिटी बूस्टिंग पर भी काम करें। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा प्रेस्क्राइब किए गए चाहे वह हर्बल टी हो चाहे काढ़ा हो उसको लेकर भी हम अपनी इम्यूनिटी की तरफ भी काम करें, यह बहुत जरूरी एक कार्य हमारे लिए सामने है। इसके साथ ही हम ये अवॉइड करें कि हम बाहर जाएं, जरूरत पड़े तो हम टेलीमेडिसिन के द्वारा भी अपने, जैसे कि इस ग्राफ में हम आपको दिखा रहे हैं कि 15 अप्रैल में अगर देश का रिकवरी रेट करीब 11.42% था, 3 मई तक बढ़कर वह 26.59% हुआ, 18 मई को वही बढ़कर 38.29% और आज बढ़ते बढ़ते वह बढ़कर 48.07% हो चुका है। इस विषय में मैं एक और मुख्य विषय आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा। कई बार हम लोग कंपैरिजन करते हुए एक बार ये बात करते हैं कि आज देश में नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए हैं, हमारा देश 7वें नंबर पर है। यहाँ यह सोचना, यह एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि यह एनालिसिस एक डाउटफुल, एक रॉन्ग कंपैरिजन प्रस्तुत करता है। जब भी हमें कंपैरिजन करना चाहिए वह कंपैरिजन प्राइमरली हमारे देश की आबादी की तुलना में होना चाहिए, और उसके बारे में हम इससे पहले भी कई बार चर्चा करते रहे हैं कि हम बाकी देशों में जिनकी आबादी अगर हमारे देश के अनुपात में उसको बराबर माना जाए तो इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल रिलेटिव परफॉर्मेंस हम देखते हैं कि हमारा देश ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज उसमें काफ़ी कुछ स्टेबिलिटी हम लोगों ने नोट की है। अगर हम आज का भी डेटा देखें तो हम पाते हैं कि अगर 14 देश लें जिनकी आबादी हमारे देश से मिलती जुलती है, वह 14 देश देखें तो आज भी उन देशों में हमारे देश के मुकाबले 22.5% अधिक केसेस आए हैं और 55.2 टाइम्स अधिक डेथ भी वहां पर रिपोर्ट हुई हैं। तो यह हमें समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम देखें कि कंटिन्यूस एफर्ट जो फील्ड पर रहे हैं आइदर इन टर्म्स ऑफ सर्वेलेंस और इन टर्म्स ऑफ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग या हम कैसे अर्ली केस आइडेंटिफिकेशन पर फोकस करें और साथ में जो केस पॉजिटिव आए उसको हम क्लिनिकली कैसे तरीके से मैनेज करें, उन एफर्ट्स के तहत हम पा रहे हैं कि जैसे कि 15 अप्रैल में अगर देश का केस फेटैलिटी रेट करीब 3.3% था, वह घटा 3.25% हुआ, घटते घटते 3.15% और अब वह घटकर 2.82% हो चुका है। इसी कंपैरिजन को अगर हम फेटैलिटी रेट को अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि हमारे देश का